Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ana Ayşe radıyallahu ta'ala anha kâlet. Kuntu ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadr. Mâ yakunu fiha? Qâl qûdi fiha annahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Sunan Tirmizi bab at-Tawaf hadis nomor 3513. Ayyu Hazrat Ayşe radıyallahu ta'ala anha se riwayat kiyati hai, maine Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam se pucha dariyaf kiya. Ye Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, अगर मैं शबे कदर को पालूँ तो शबे कदर को पाने के बाद किसी दुआ का अहतमाम करूँ उसमें क्या करूँ? तो आपने फरमाया कि आयशा पूर्णी फी है शबे कदर में कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन, ये अल्लाह तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा माफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ू अन्नी मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये है वो दुआ जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शब कदर के बारे में सिखाई है। यानी जब शब कदर की बात किसी मुसलमान को मिल जाए, कोई मुसलमान शब कदर में जाए तो वो इस दुआ का अहतमाम करे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बु अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी, जितना हो सके उस रात के अंदर इस दुआ का अहतमाम करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये दुआ सिखाई थी। परवरदिगार हमें आपको देखा मन की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।